हेलो माय ब्यूटी किंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनम वर्मा। सो आज मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली, बहुत ही अमेजिंग वाली वीडियो है। सो आज मेरी वीडियो है मैग्नेटेड लैशेज, जो जैसे एज ए बिगनर, जैसे मेरी तरह जो ग्लू से जो आई लैशेज आते हैं ग्लू लगा के और उसको स्टिक करते हैं, वो नहीं लगा पाते हैं, वो इन्हें कॉर्नर से वो निकल जाता है, लैशेज निकल जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है मैग्नेटेड आई लैशेज। सो एक विदाउट मैग्नेटेड आई लैशेज भी आती है, वो उस आई लैशेज में ग्लू लगाया जाता है। मेरे पे एक आई लैशेज है, इस तरह का आई लैशेज आता है, इस पे ग्लू लगाया जाता है और फिर देन इसको स्टिक किया जाता है। स्टिक करने के बाद ये बाद में कॉर्नर से ये निकल भी जाता है। तो इसलिए ये एज ए बिगनर के लिए मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट यो सो मेरा सजेशन यही है कि जिसको नहीं आ पा रहा है ग्लू लगा के, स्टिक नहीं कर पाते हैं आई लैशेज, वो मैग्नेटेड आई लैशेज यूज़ करें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है, आराम से इजीली ये स्टिक हो जाए। कैलालिश का मैग्नेटेड आई लैशेज है, इसमें 10 पेयर्स आता है। इसका रियल हेयर है, इसका सिंथेटिक हेयर नहीं है, इसका रियल हेयर है। इसमें लाइट वॉल्यूम का भी हेयर है, हैवी वॉल्यूम में भी हेयर है इसका। तो आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लगाने में, बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाता है और ये निकलता भी नहीं है। सो ये इसके पीछे 3 स्टेप दिए हुए, किस तरह से आपको लगाना है। ये मुझे 1050 रुपीज़ का अमेज़ोन से पड़ा था। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कौन से नंबर का है ये और कितने रुपए का है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए। सो इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ आता है, कैसे आता है ये। बहुत ही अमेजिंग, आप कोई परचेज कीजिए, बहुत ईजीली लगता है। इसमें दो ये लाइनर आते हैं, इसमें मैग्नेटेड लाइनर है, ये एप्लीकेटर है, इसे आप इजीली पकड़ के इसको अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर आई लैशेज को, अच्छे से पकड़ के इसको स्टिक कर सकते हो। ये विदाउट एप्लीकेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इसको मैं आपको लगाते दिखाती हूँ, इसका डेमो दिखाती हूँ किस तरह से ये लगेगा। सबसे पहले हमें लाइनर को यूज़ कर लगाना है, थोड़ा सा थिक लाइनर लगाना है और आप ये 2 या 3 टाइम्स आप लाइनर को लगा सकते हो इस तरह से। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से लगता है। ये इस तरह से आपको लगाना है और मैंने 2-3 टाइम्स इसको लगाया है, मैंने ऊपर कर लिया, इसको ऊपर लग गया है। सो इस तरह से आपको लगा 2-3 टाइम्स इसको लगाया है और 1 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग लाइनर लगाए, तो मैंने ये आई लैशेज ले लिया है, इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। सो इस तरह से स्टिक, कितने प्यारी तरह से एकदम से स्टिक हो गया है। बहुत इजीली है लगाना, आराम से आप लगा सकते हो और ये हिल भी नहीं रहा है, अच्छे से लग गया है, अच्छे से स्टिक हो गया है। मैं ऐसे सेकंड भी आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। सो आप इसी तरह से आप 1-2 टाइम्स इसका लाइनर लगाइए। थोड़ा सा थिक लगाना है जिससे कि जो आपकी मैग्नेटेड आई लैशेज है वो अच्छे से स्टिक हो जाए उसके ऊपर। इस तरह से आपको लगा लेना है।
वन मिनट तक आपको इसको थोड़ा छोड़ना है जिससे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए. तो इसके ऊपर आपको लाइनर आई लैशेस लगाना है. तरीके मैंने लैशेस ले लिया है. आपको पहले मिडिल में रखना है आई लैशेस, इस तरह से मिडिल में रखना है. फिर आपको इसको स्टिक करना है इन कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर. सो आप देख सकते हो कितनी इजीली कितनी फास्ट इसका ये लग गया है, स्टिक हो चुका है और ये जरा भी नहीं हिल रहा है और मेरे को अनकंफर्टेबल भी नहीं लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है. सो आप भी इस तरह से आप लगा सकते हो. बहुत ही अच्छा है ये लगाने के लिए. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.